आदरणीय श्रोतागण, मैं दानू कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज इस प्रतियोगिता में एक अज्ञात कवि की कविता धर्म की रक्षा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु नानक ने पगड़ी सौंपी, देश धर्म की रक्षा हो, देश धर्म की रक्षा हो, दूर हटे पाखंडवाद, दूर हटे पाखंडवाद से, जन जन की रक्षा हो, जन जन की रक्षा हो। आज चलो, आज चलो बलिदानी पगड़ी की बातें बतलाती हूँ। गुरु तेग बहादुर के बलिदान की, गुरु तेग बहादुर के बलिदान की सारी कथा सुनाती हूँ, सारी कथा सुनाती हूँ। गुरु तेग बहादुर को मिलने, गुरु तेग बहादुर को मिलने कुछ कश्मीरी आए थे, मुस्लिम अत्याचार से बेचारे ही घबराए थे, बेचारे ही घबराए थे। कश्मीरी बोले परेशान है गुरु जी, दहशत गर्दी से मुस्लिम सबको बना रहा औरंगजेब नामर्जी से, औरंगजेब नामर्जी से। सोचा गुरु ने और कहा धर्म की खातिर भारी कीमत चुकानी है, धर्म की खातिर भारी कीमत चुकानी है, भारत देश मांग रहा इस समय बड़ी कुर्बानी है, इस समय बड़ी कुर्बानी है। एक पतंगा गुरु के दिल के भीतर तक चला गया, एक पतंगा गुरु के दिल के भीतर तक चला गया, हुए रंग के खड़े गुरु के हाथ कृपाण पे चला गया, हाथ कृपाण पे चला गया। पीकर गुस्सा गुरु जी हो गए मोहन, लंबी सांस खींच कर बोले कुर्बानी देगा कौन। बात हुई ऐसी कुछ दिन धरती अंबर डोल गए, 9 साल के गुरु गोविंद जी सबके सम्मुख बोल गए। कहा पिताजी आपके शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो, कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। मैं आज भी शीश झुकाती हूँ उस दिल्ली के गलियारे में, जहाँ गुरु का शीश कटा था, शीशगंज गुरुद्वारे में। धन्यवाद।